सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आज पहली से आठवीं कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते पहली से आठवीं कक्षाओं के बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। अब सभी कक्षाओं के छात्र छात्राएं स्कूल आकर पढ़ाई करेंगे। नूरपुर ब्लॉक के सुलियाली राजकीय माध्यमिक पाठशाला में काफी समय बाद पहली से आठवीं के छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचे हैं और उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। सभी छात्र छात्राएं मास्क पहनकर स्कूल आ रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली के वाइस प्रिंसिपल कुलदीप सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आज पहली से आठवीं तक की कक्षाओं के स्कूल खुले हैं। यह एक सराहनीय कदम है और हिमाचल सरकार की तरफ से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिया जाना बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहतरीन है। विद्यालय में जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी पालना की जा रही है। सभी कमरों को रोजाना सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी छात्र छात्राओं को कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक बिठाया जा रहा है। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के टॉयलेट और स्कूल परिसर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विद्यालय में मुख्य द्वार पर छात्र छात्राओं को सैनिटाइज व थर्मल स्कैनिंग करके ही कक्षाओं में जाने दिया जा रहा है। सभी छात्र छात्राएं मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना कर रहे हैं। आठवीं कक्षा के छात्र ने कहा कि मैं आठवीं कक्षा का छात्र हूं। कोरोना के चलते काफी समय बाद आज स्कूल आया हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। स्कूल में सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग सब व्यवस्थाओं का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। अब कोरोना के बाद बहुत दिन बाद स्कूल लगे और मुझे स्कूल आके बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हमारे स्कूल में पूरा सैनिटाइजर वगैरह का पूरा प्रबंध है। आज दिनांक 17 फरवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश की गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा पहली से आठवीं तक स्कूल खुले हैं। ये एक बहुत सराहनीय कदम है हिमाचल सरकार की तरफ से कि सभी स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। विद्यालय में जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो सभी SOP का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। सभी कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और जो बॉयज़ के और गर्ल्स के जो टॉयलेट्स हैं उसको भी हम दिन में दो बार जो है वो उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतया पालन किया जा रहा है और ये इसके अलावा सभी अध्यापकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एक डेस्क छोड़ करके बच्चों को तीसरे डेस्क पे बिठाया जाए, एक एक डेस्क बीच में से छोड़ करके, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। और गेट की एंट्री पे हमने सैनिटाइज बच्चों को करने की पूरी व्यवस्था की है। थर्मल स्कैनिंग हो रही है और सभी बच्चे जो मास्क पहन के आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही हिमाचल सरकार का एक सराहनीय कदम है कि विद्यालय पुनः आरंभ हुए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।